सबसे पहले 20 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को रामपुर के विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम, तंजीन फातिमा और आजम खान को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आज राजधानी लखनऊ के महानगर में वोटर चेतना कार्यशाला में लिया भाग। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, जिन लोगों ने गलत किया था उन्हें सजा मिल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे कन्नौज। कोर्ट से आजम खान को हुई सजा पर उन्होंने कहा कि आजम खान बड़े नेता है, इसलिए उन पर कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्रीय कर्मचारियों का तोहफा। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 4% महंगाई भत्ता के फैसले को दी मंजूरी। रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। केंद्रीय कैबिनेट ने नॉन गजेटेड रेलवे कर्मियों को 78 दिन के बोनस का किया ऐलान। केंद्रीय कैबिनेट ने आज रबी की 6 फसलों के एमएसपी का किया निर्धारण। न्यूनतम समर्थन मूल्य किया घोषित। पिछले 8 वर्षों में खाद्यान्न के उत्पादन में हुई 31% की वृद्धि। गेहूं के दाम बढ़ाने पर किसानों ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और इससे सरकार द्वारा किसान हित में उठाया गया बड़ा सराहनीय कदम बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इंडिया कौशल 2023 प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत की शिक्षा का भविष्य पारंपरिक रटने के बजाय कौशल विकास में निहित। खादी ग्राम उद्योग अमृतकाल की अवधि के दौरान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक खादी मना रहा है महोत्सव। इस अवसर पर आज लखनऊ के गोमती नगर में खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आज राजधानी लखनऊ में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण उत्तरी कार्यालय में विघवन सुपर ग्रुप पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जाने माने विशेषज्ञों ने संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए आज 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी नेता वनलाल हुमाका के बारे में सूचना है कि वह डंपा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अब नहीं रहा फ्री। एक्स का इस्तेमाल करने के लिए लेना होगा 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन, जिसकी कीमत $1 यानी करीब 83 रुपए होगी। ये शुल्क एक्स के बेसिक फीचर जैसे लाइक करने और रीपोस्ट के लिए होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्योहारों के समय नियमित पुलिस गश्त के कारण शांति व्यवस्था बनाए रखने में मिल रही है सफलता। अपराधियों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। नव अयोध्या में 1852 एकड़ में आवासीय योजना में श्रीलंका, नेपाल और दक्षिण कोरिया ने मांगी जमीन। 90% से अधिक जमीन की हो चुकी है खरीद। जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक होने वाले कुंभ के लिए प्रदेश सरकार गंभीर। 2000 करोड़ की परियोजनाओं पर तेजी से किया जा रहा है काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला की सुरक्षा होगी तभी होगा उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास। कहा, समाजवादी पार्टी हमेशा करती रही है दलितों का उत्पीड़न। दुधवा और करतनिया घाट मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ने को तैयार। 4-लेन कनेक्टिविटी रहने और खाने की सुविधाओं पर किया जाएगा विकास। प्रदेश में गहराया डेंगू का संकट। 24 घंटे में 574 डेंगू के केस किए गए रिपोर्ट। कुल मरीजों की संख्या हुई 13,000 के पार। लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, गौतमबुद्ध नगर से संख्या सबसे अधिक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के तेल अवीव पहुंचे। तेल अवीव में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत। इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में वाराणसी का छात्र राहुल सिंह अपने घर पहुंचकर काफी खुश। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को अपने घर वापस ले आया जा रहा है।